Bismillahirrahmanirrahim. So we are discussing risks before starting the next lecture. Let's just review the last lecture, what we did in the last lecture. So summary of the last lecture is two stock portfolio theory. We did two stock portfolio theory. इससे पहले हम एक स्टॉक के बारे रिस्क देखते रहे, लेकिन इस दफ़ा हमने दो स्टॉक्स के पोर्टफोलियो थ्योरी में देखा कि अगर हम दो या दो से ज़्यादा स्टॉक्स रखते हैं पोर्टफोलियो में तो उसका क्या इफेक्ट होगा और उनके जो रिस्क होंगे क्या होंगे, स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या होंगे और उसको हम जब मर्ज करते हैं तो क्या होगा। हमने एक और चीज़ भी देखी थी कि अगर हम दो या दो से ज़्यादा स्टॉक्स रखते हैं जो उसका रेट ऑफ रिटर्न, जो उसका रिस्क होगा वो उसके जो जो दो जो उनका रिस्क होगा वो दोनों स्टॉक्स के रिस्क से थोड़ा सा कम होगा। वेटेड एवरेज जो रिस्क है वो नहीं होगी, उससे थोड़ा कम होगा। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कोरिलेशंस, वो भी हम देखेंगे। सो लास्ट टाइम वी सॉ द रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑफ टू स्टॉक्स एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स। टुडे विल बी अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट एंड हम यहाँ पे देखेंगे डिटेल में पोर्टफोलियोज, कोरिलेशंस, उनके इफेक्ट्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो टुडेज लेक्चर इज ऑन पोर्टफोलियो रिस्क एनालिसिस एंड एफिशिएंट पोर्टफोलियो मैप्स। पोर्टफोलियो मैप्स हम देखते हैं आज के, व्हाट आर पोर्टफोलियो मैप्स एंड हाउ टू यूज़ देम एंड हमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन वो देते हैं। पोर्टफोलियो मैप्स ये होते हैं कि हमें इससे पता चलता है कि अगर हमारे पास हम रिस्क एंड रिटर्न देख रहे होते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर एक पोर्टफोलियो का रिस्क एक जैसे हम पहले देखते रहे कि एक स्टॉक का अगर रिस्क इतना तो रिटर्न इतना होना चाहिए, तो ऑब्वियसली द मोर द रिस्क द मोर द रिटर्न। लेकिन पोर्टफोलियो मैप्स में देखेंगे कि अगर एक से ज़्यादा स्टॉक्स हम यूज़ करें तो रिस्क एंड रिटर्न की रिस्क एंड रिटर्न की जो रिलेशनशिप है वो चेंज होती है या सेम रहती है, वो कैसे चल रही है, वो वी विल सी दैट विद द हेल्प ऑफ पोर्टफोलियो मैप्स। सो द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज लेक्चर, आफ्टर गोइंग थ्रू दिस लेक्चर you would be able to have an understanding of the following topics. First, portfolio risk analysis and efficient portfolio maps. So portfolio risk analysis and efficient portfolio maps, humne pehle risk analysis portfolio ko dekhna hai, fir humne efficient portfolio maps dekhne hai, efficient portfolio maps kya hai aur kaise unko use kiya jata hai. पोर्टफोलियो रिस्क एनालिसिस हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा स्टार्ट किया था, बट हम डिटेल में अब देखेंगे कि पोर्टफोलियो की रिस्क एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं और उनको हमें कैसे हैंडल करना है। बिफोर स्टार्टिंग द न्यू कॉन्सेप्ट्स वी शुड रीकैप व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर। सो लेट्स जस्ट हैव अ जनरल रीकैप। सो हमने देखा कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रिस्क फार्मूला, पोर्टफोलियो रिस्क फार्मूला फाइंड करने के लिए हमने वाला फार्मूला यूज़ किया। सो इसमें जो कुछ चीज़ें मैं लास्ट टाइम हमने वी जस्ट गॉट स्टार्टेड ऑन दैट एंड लेक्चर का टाइम फिनिश हो रहा था, इसलिए मैंने जरा डिटेल में डिस्कस करने के लिए इसको इस लेक्चर में दोबारा से लिया है। सो इसमें जब हम देखेंगे, सो रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू एक्स ए रेज टू पावर टू, दैट इज द परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ए रेज टू पावर टू मल्टीप्लाई बाय सिग्मा ऑफ ए रेज टू पावर टू, जो हमारा जो ए की स्टैंडर्ड डेविएशन है उसकी हम रेज टू पावर टू करेंगे, प्लस एक्स बी रेज टू पावर टू, ये बी टू हो गया लेकिन ये बी रेज टू पावर टू, जो बी में हमारी इन्वेस्टमेंट है उसको हम उसकी पावर टू करेंगे, उसके बाद सिग्मा ऑफ बी रेज टू पावर टू, जो सिग्मा होगा बी की उसकी टू पावर करेंगे, प्लस टू इंटू एक्स ए, जो एक्स ए में हमारी इन्वेस्टमेंट है बी में हमारी इन्वेस्टमेंट है, सिग्मा ए का बी का सिग्मा एंड द कोरिलेशन ऑफ टू, उसको हम अंडर रूट ले लेंगे तो हमें स्टॉक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रिस्क पता चल जाएगा, जो हमारा पोर्टफोलियो है ओवरऑल उसका रिस्क है वो हमें पता चलेगा। सो लेट्स डू एन एग्जांपल, जब एग्जांपल करेंगे तो हमें बेहतर चीज़ें पता चलेंगी। दैट इज द सेम, एक्स ए इज इन्वेस्टमेंट, ए इज वेट इन द टोटल वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो। सो एक्स ए मैंने आपको जैसे बताया, इन्वेस्टमेंट ए इज वेट इन द टोटल पोर्टफोलियो, सिग्मा ए इज इन्वेस्टमेंट, ए इज इंडिविजुअल रिस्क और स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा ए इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ए इज इंडिविजुअल रिस्क और स्टैंडर्ड डेविएशन, ए बी इज अ कोरिलेशन कोफिशिएंट। सो दिस ए बी, ये जो हमारे पास ये सिंबल रिटर्न आ रही है, दिस इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट, दैट मीन इज द कोरिलेशन इन रिटर्न्स ऑफ द टू इन्वेस्टमेंट्स, लास्ट टर्म इज द कोवेरियंस टर्म, लास्ट टर्म इज द कोवेरियंस टर्म, जो लास्ट टर्म हमारी आ रही है ये कोवेरियंस की टर्म। राइट, सो लेट्स डू एन एग्जांपल। It's always good to do an example. Example gives you an idea of how things work. So, stock investment portfolio risk formula. Example, अगर हम देखते हैं, complete two stock investment portfolio data. अब इसमें देखें, stock A में जो हमारी stock A में जो value for investment is 30, stock B में value for investment is 70. So, इसका मतलब है कि 30% हमारी investment stock A में 30/100, और जैसे कि हमने पहले भी देखा था, stock B में हमारी 70/100, 70% investment हमारी stock B में। नाउ कमिंग टू एक्सपेक्टेड रिटर्न्स इन परसेंटेज, जो स्टॉक ए पे एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 20% है, स्टॉक बी पे जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 10% है, एंड फाइनली स्टॉक ए पे जो हमारा रिस्क या स्टैंडर्ड डेविएशन, रिस्क
जैसे कि मैंने बताया था रिस्क कंसिडरेशन इज द सेम थिंग, वो 20% है और स्टॉक बी पे हमारा जो हमारी जो स्टॉक बी पे जो हमारे रिस्क कंसिडरेशन है दैट इज 5%। टोटल वैल्यू इज इक्वल टू 100, टोटल वैल्यू 100 है, स्टॉक इन दोनों को मैड करें तो हमारे पास 100 आ जाएगा। कोरिलेशन कॉफिशेंट इज प्लस 0.6, तो इसका मतलब है कि दोनों एसेट्स हमारे इकट्ठे मूव करते हैं, लेकिन इट्स नॉट कि मतलब एक एसेट जितना मूव करेगा दूसरा भी उतना मूव करेगा, सो उतना ही मूव नहीं करेगा। सो इसमें जो कोरिलेशन कॉफिशेंट है दोनों पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, अगर एक एसेट वन मूव करता है दूसरा 0.6 मूव करेगा इन द सेम डायरेक्शन। सो दैट्स व्हाट कोरिलेशन टेल्स अस, कि वो दे कि वो इकट्ठा मूव करते हैं तो कितना, अगर पॉजिटिव चेंज एक में आती है तो दूसरे में पॉजिटिव चेंज कितनी आएगी, अगर एक में नेगेटिव चेंज आती है तो दूसरे में कितनी आएगी। सो दैट्स दैट टेल्स अस दैट कि इनके में जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे और 0.6 इज अ कोरिलेशन। कोरिलेशन जो कॉफिशेंट होता है दैट इज बिटवीन 0 एंड 1। 0 मीन्स देर इज नो कोरिलेशन, कम्प्लीटली हैफ़हैज़र्ड है वो, हमें नहीं पता कि क्या कोरिलेशन। -1 मीन्स इट सॉरी कोरिलेशन इज बिटवीन -1 एंड 1। -1 मीन्स कि वो कम्प्लीटली अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें और 1 मीन्स वो कम्प्लीटली सेम डायरेक्शन में मूव करें। सो इसके दरमियान में कोरिलेशन का नंबर आ सकता है। सो लेट्स सी टू स्टॉक पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेशन में जब हम आते हैं, पी इज इक्वल टू जैसे कि मैंने आपको बताया था XA स्क्वेयर एंड सिग्मा ए स्क्वेयर प्लस XB स्क्वेयर जो हमारी बी में सॉरी XA स्क्वेयर मैं साथ साथ आपको बताता रहता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। XA स्क्वेयर हम देखते हैं कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट ए में है उसका हम स्क्वेयर करें। सो ए में हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 30 डिवाइडेड बाई 100, सो दिस इज 30 डिवाइडेड बाई 100, उसको हमने स्क्वेयर किया। एंड सिग्मा ए स्क्वेयर, अब जो सिग्मा ए हमारा है, ए का सिग्मा अगर आप देखें सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन 20% का हमने स्क्वेयर किया। इसी तरह XB स्क्वेयर अब 70 डिवाइड बाई 100 उसका हमने स्क्वेयर किया। एंड सिग्मा बी स्क्वेयर 5% को हमने स्क्वेयर कर लिया प्लस 2 XA XB। XA हमने देखा था XA इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 100, सो दिस इज 30 डिवाइड बाई 100। XB इज इक्वल टू 70 डिवाइड बाई 100, इट इज 70 डिवाइड बाई 100। और उसके बाद हमने देखा कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ए इज 20%, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ बी इज 5%, एंड फाइनली द कोरिलेशन ऑफ बिटवीन द टू सिक्योरिटीज इज 0.6 0.6। ये हमने ये वाला नंबर लिया है और इस सारी इक्वेशन को अगर हम देखें कर्ली ब्रैकेट लास्ट में आ रही है, इसको हमने 0.5 से मल्टीप्लाई किया बिकॉज वी वॉन्ट टू टेक एन अंडर रूट ऑफ दिस होल फ्रैक्शन। यू कैन जो आपको नंबर आएगा उसको आप यहाँ अंडर रूट ले लें या उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर लें एंड विल गेट द नंबर। So, don't be daunted by this equation. This is a very simple equation जो आपके सामने मौजूद है और आप इसकी बेसिस पे पे हम जो रिस्क पोर्टफोलियो को निकाल सकते हैं। तो आप देख लीजिए ये आपके पास एक अब इट्स ऑल द नंबर है, यहाँ पे हमने इसको कर लिया दोनों इसको डिवाइड करके इसका हमने स्केल लिया तो इट्स पॉइंट जैसे कि 30% आया था 0.03, उसका स्केल लिया 0.09 हो गया, और 20% का जब हम स्केल लेंगे तो 0.04 आ जाएगा। इसी तरह से 0.49 0.0025 और फिर हम प्लस करेंगे 2 इंटू अब ये जो हमारे पास फ्रैक्शन अब हमने इन फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास 0.0021 0.6 आ गया। अब इन सब को करने के बाद हमारे पास ये तीन नंबर्स आ गए। अब ये इन जब हमने दो नंबर्स ऐड किया तो हमारे पास फाइनली ये नंबर आ गया, इसको करने के बाद ये वाला नंबर फाइनली आया, इसको हमने 5.5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0.0857 आया। सो इसका मतलब है जो पोर्टफोलियो का हमारा रिस्क है दैट इज 8.57%। अगर देख लें तो ये इन दोनों से उनके दरमियान में आ रहा है। देखिए इसका जो रिस्क था वो बहुत कम था 5%, इसके रिस्क से थोड़ा सा ज़्यादा है पोर्टफोलियो का रिस्क, और जो 20% सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिस्क था वो कम हो गया, हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिस्क 8.5% हो गया। सो बेसिकली ये वेटेड एवरेज, मैंने आपको ये कहा था कि जो पोर्टफोलियो का रिस्क होता है वो वेटेड एवरेज नहीं होता इन दोनों का, इसके अंदर ये जो कोवेरियंस की टर्म आती है उसकी वजह से ये उससे बेसिकली थोड़ा सा कम होता। सो देख लें अगर हम वेटेड एवरेज निकालते तो वो कुछ और होता, लेकिन जो हमारे पास आया वो 8.57% है विद दिस फार्मूला। सो यू हैव टू यूज दिस फार्मूला टू फाइंड द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियोज, स्टॉक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रिस्क फार्मूला, रिस्क वर्सेस रिटर्न ग्राफ एग्जांपल विद टू स्टॉक विद पॉजिटिव कोरिलेशन। सो अब जब हम यहाँ पे दो स्टॉक्स देखते हैं उनके अंदर पॉजिटिव कोरिलेशन है तो जब तो उनका हमने लेट्स सी एन इंक्रीज इन रिस्क, एज रिस्क इंक्रीजेज द इन्वेस्टर रिक्वायर्स रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीजेज। अब देख लें यहाँ पे जैसे जैसे हमारा रिस्क इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारा पोर्टफोलियो का रिटर्न इंक्रीज हो रहा है।
5% पे ओवरऑल हमारा 5% रिटर्न पे हमारा ओवरऑल रिटर्न रिस्क था 10%, और जैसे जैसे रिस्क इंक्रीज हो रहा है, देखें पोर्टफोलियो सॉरी 5% रिस्क पे हमारा 10% रिटर्न था, अब जब 9% रिस्क हो जाता है तो ये 13 पॉइंट समथिंग हो जाता है, और इसी तरह से ये देर इज अ पॉजिटिव रिलेशन एंड देर इज ये रिलेशन है लीनियर नहीं है, लीनियर से मुराद है कि स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब देखिए जैसे जैसे ये हम बढ़ाते जा रहे हैं ये आगे से थोड़ा सा कम होता जा रहा है। सो एज रिस्क इंक्रीजेज द इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट रिटर्न इंक्रीजेज, दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर है। राइट, सो डूइंग रिकैप ऑफ सम अदर स्टफ, पोर्टफोलियो इज ए कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन डिफरेंट स्टॉक्स बॉन्ड्स अदर सिक्योरिटीज और ए मिक्स ऑफ ऑल। सो एज वी हैव सीन पोर्टफोलियो इज ए कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट में स्टॉक्स आते हैं बॉन्ड्स आते हैं अदर सिक्योरिटीज उन सब का एक मिक्स होता है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट अनकोरिलेटेड स्टॉक्स इन ऑर्डर टू मिनिमाइज ओवरऑल रिस्क एंड मैक्सिमाइज पोर्टफोलियो रिटर्न। जो ऑब्जेक्टिव है वो हम ये है कि हमने डिफरेंट अनकोरिलेटेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो मिनिमाइज ओवरऑल रिस्क, हम ओवरऑल रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हैं मैक्सिमाइज पोर्टफोलियो रिटर्न, और पोर्टफोलियो रिटर्न को वी वॉन्ट टू मैक्सिमाइज। इट इज मैंशन दैट द इंडिविजुअल एंड कंपनीज मेंटेन द पोर्टफोलियो इन ऑर्डर टू रिड्यूस रिड्यूस द रिस्क। अब जो ऑब्वियसली जो कंपनीज हैं इंडिविजुअल्स हैं वो पोर्टफोलियोज इसीलिए बनाते हैं कि उन्हें रेट ऑफ रिटर्न एक अच्छा मिले लेकिन उनका रिस्क मिनिमम रहे, बिकॉज एक एसेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका रिस्क इज एक्सेप्शनली हाई, सो वी वुड दे लाइक टू मिनिमाइज द रिस्क, और वो करने के लिए दे क्रिएट पोर्टफोलियोज, कंपनीज क्रिएट पोर्टफोलियोज, इंडिविजुअल क्रिएट इंडिविजुअल क्रिएट पोर्टफोलियोज, इवन यू कैन क्रिएट योर ओन पोर्टफोलियो। आप मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स की कोरिलेशंस देख सकते हैं और उसके बाद अब यू कैन ऐड टू इन्वेस्टमेंट्स यूज दिस फार्मूला एंड यू कैन फाइंड द ओवरऑल स्टैंड डेविएशन ऑफ द होल पोर्टफोलियो, तो आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा पोर्टफोलियोज पे एंड ये सब चीज़ें। सो यू कैन अप्लाई ऑल दिस थिंकिंग एंड मेक मनी इफ यू वॉन्ट। देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टॉक्स रिस्क विच वी डिस्कस्ड, टोटल स्टॉक रिस्क इज इक्वल टू डाइवर्सिफाइबल रिस्क प्लस मार्केट रिस्क। सो दो किस्म के रिस्क हैं, एक डाइवर्सिफाइबल रिस्क है एक मार्केट रिस्क है। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स एक्सपेंडिंग द नंबर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट विच कवर्स डिफरेंट काइंड ऑफ स्टॉक्स। वी कैन रिड्यूस रिस्क एज रैंडम इवेंट्स इन वन इंडस्ट्री कैन बी ऑफसेट बाय द रैंडम इवेंट अफेक्टेड बाय अनदर अदर इंडस्ट्री। सो ऑल आई वांट टू से इज दैट डाइवर्सिफाइबल रिस्क इज सिक्योरिटी रिलेटेड रिस्क, जो सिक्योरिटी जो नॉन सिस्टमेटिक रिस्क होता है जो सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है किसी भी, तो वो जैसे जैसे हम नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज करते हैं तो डाइवर्सिफाइबल रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। सो द ओनली रिस्क वी हैव टू वरी अबाउट इज द मार्केट रिस्क। दिस वे यू कैन रिड्यूस द कंपनी स्पेसिफिक और यूनिक रिस्क। द मार्केट रिस्क अराइजेस बिकॉज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक और लार्ज स्केल, सॉरी दिस इज माइक्रो में लिखते हैं, दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक, बिकॉज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक और लार्ज स्केल फैक्टर्स सच एज मार्केट इंटरेस्ट रेट्स इन्फ्लेशन एक्सेट्रा, दिस फैक्टर्स हैव वर्चुअली आइडेंटिकल इफेक्ट ऑन शेयर प्राइसेस। सो हमने देखा है कि इंडिविजुअल स्टॉक का जो रिटर्न होता है रिस्क होता है उसको तो हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, लेकिन पूरी मार्केट पे जो सारे स्टॉक को अफेक्ट कर होता है रिस्क उसको हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, दैट इज़ नॉट डाइवर्सिफाइबल, और उस रिस्क के साथ हमें उस और हमें देखना पड़ेगा कि उस रिस्क के बारे में हम क्या करेंगे, या फिर उस रिस्क के साथ हम ये कर सकते हैं कि द मोर द मार्केट रिस्क मोर द रिटर्न वी रिक्वायर एंड देयर एंड हाउ टू डील विद दैट वी विल सी। जैसे हम ऐसे कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में आएंगे कि हम मार्केट रिस्क को कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं और उस वो कैसे इफेक्ट होता है रिस्क के अंदर, सो वी विल सी दैट। फॉर एग्जांपल इन इवेंट ऑफ अ वॉर स्टॉक मार्केट गो डाउन इन वैल्यू विच मीन ऑलमोस्ट एवरी शेयर वेंट डाउन। सो अगर वॉर हो, अगर किसी मुल्क में वॉर हो जाती है तो ऑब्वियसली दैट इज़ अ ह्यूज मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर जो पूरी इकॉनमी को इफेक्ट कर रहा है, तो उसमें जो जितने भी स्टॉक्स हमारी मार्केट में सबके सब डाउन होंगे सबके सब डाउन होंगे, तो हाउ वी कैन नॉट डाइवर्सिफाई अ रिस्क। ये वही रिस्क है, देखिए दिस इज अ मार्केट रिस्क इज अ रिस्क, हमने दो रिस्क की बात की है कि अनकोरिलेटेड रिस्क जितने भी होते हैं वो डाइवर्सिफाई हो सकते हैं जब हम एसेट्स को ऐड करना शुरू करते हैं, लेकिन अगर रिलेटेड रिस्क होते हैं तो डाइवर्सिफाई नहीं हो सकते। मार्केट रिस्क इज अ रिलेटेड रिस्क क्योंकि वो पूरी मार्केट को इफेक्ट कर रहा होता है, सो वी कैन नॉट डाइवर्सिफाई अ रिलेटेड रिस्क, वी कैन ऑलवेज डाइवर्सिफाई द अनकोरिलेटेड रिस्क। सो एक और चीज़ हमें देखिए, 7 स्टॉक्स आर अ गुड नंबर फॉर डाइवर्सिफिकेशन। 7 अगर आपने एक मिनिमम नंबर चूज करना है एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए तो चूज 7 स्टॉक्स इज अ गुड नंबर फॉर डाइवर्सिफिकेशन। 7 स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करें बट दे हैव टू बी अनकोरिलेटेड स्टॉक्स, अनकोरिलेटेड स्टॉक्स होने चाहिए। एंड 40 स्टॉक्स आर इनफ टू मिनिमाइज टोटल रिस्क, जो 40 स्टॉक जो होते हैं वो इनफ हैं टू मिनिमाइज द
टोटल रिस्क अगर आप इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इट्स अप टू यू, बट इट विल नॉट गिव यू अलॉट ऑफ बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ मिनिमाइजिंग द टोटल रिस्क. कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड टू स्टॉक पोर्टफोलियो रिटर्न एंड रिस्क, एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न आर पी इज इक्वल टू एक्स ए आर ए प्लस एक्स बी आर पी. सो पोर्टफोलियो रिटर्न जब हम देखते हैं, सिंपल पोर्टफोलियो रिटर्न, तो इसमें हम देखते हैं वट इज द परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ए एंड वट इज द रिटर्न ऑन ए. सो उससे उनको उसको हम प्लस करते हैं परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बी एंड एंड रिटर्न ऑन बी. सो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न की ये इक्वेशन आ जाती है. पोर्टफोलियो रिस्क इज जनरली नॉट सिंपल वेटेड एवरेज. अप टू दिस पॉइंट वी ओनली लुक एट पोर्टफोलियो विच हैज़ ओनली टू स्टॉक्स. सो मैंने आपको बताया था पोर्टफोलियो रिस्क जो होता है इस जनरली नॉट अ सिंपल वेटेड एवरेज. हमने जैसे कि अभी फार्मूला भी अभी थोड़ी देर पहले एक दफ़ा रिकैप किया उसका, इट इज़ नॉट सिंपल वेटेड एवरेज. उसमें कोरिलेशन फैक्टर भी आते हैं और कोवेरियंस की एक टर्म आती है जिसकी वजह से इफेक्ट थोड़ा डिफरेंट होता है. सो दिस इज द टर्म इंटरप्रेटिंग टू स्टॉक पोर्टफोलियो रिस्क फार्मूला. So I will repeat it again because it is such an important formula. इसमें जब हम देखते हैं पोर्टफोलियो रिस्क को तो इसमें परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ए स्क्वेयर, और इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्क्वेयर, परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बी स्क्वेयर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी स्क्वेयर प्लस टू इंटू परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ए, परसेंटेज इन्वेस्टमेंट इन बी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी एंड मल्टीप्लाई बाई कोरिलेशन ऑफ ए बी. सो इसके इस पूरे का अंडर रूट हम जब लेंगे देन वी विल गेट द पोर्टफोलियो रिस्क. हेयर दिस सिंबल इज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विच स्टेट्स दैट हाउ मच इन्वेस्टमेंट्स आर कोरिलेटेड. अब ये हमें ये बताता है कि ये दोनों इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास ए और बी है, ए और बी, ये कितनी कोरिलेटेड है. द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन एनी वन शेयर कैन बी रिड्यूस इफ यू इन्वेस्ट इन अदर शेयर्स ऑल्सो. अब एक इन्वेस्टमेंट में अगर ऑब्वियसली हम पहले भी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं कि एक इन्वेस्टमेंट में जो हम इन्वेस्ट करते हैं उसका रिस्क रिड्यूस किया जा सकता है अगर हम बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अगर हम नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज कर दें, हम एक से ज़्यादा शेयर्स ले लें, ऐसी चीज़ कर लें. देर हैव बीन सेवरल एक्सपेरिमेंट स्टडीज दैट शो दैट इफ़ यू इन्वेस्ट इन अप्रॉक्सीमेटली 40 डिफरेंट अनकोरिलेटेड डिफरेंट शेयर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज एंड यू कैन इंटायरली एलिमिनेट द कंपनी स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द रिस्क. अगर आप 40 ये रिसर्च के बाद चला गया, अगर आप 40 शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं अनकोरिलेटेड, देखिए अनकोरिलेटेड डिफरेंट शेयर्स नॉट, अब अगर कोरिलेटेड एक ही जैसे शेयर्स में और वो डिफरेंट शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं देन इट डजंट मेक अ डिफरेंस. यू हैव टू इन्वेस्ट इन 40 डिफरेंट अनकोरिलेटेड डिफरेंट शेयर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज. अगर आप ऐसा करेंगे देन यू विल इंटायरली एलिमिनेट द कंपनी स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द रिस्क. तो आपको जो कंपनी स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द रिस्क होगा वो इंटायरली एलिमिनेट हो जाए. So interpreting two stock formula risk, interpreting two stock portfolio risk formula, even if you cannot diversify across 40 different companies, so if you think 40 is a too high a number for small investors, so aap aisa kar sakte hain, but if you want to diversify just across 7 shares from different companies then you can reduce most of the diversifiable risk. So 7 agar aap shares le lete hain different shares of different companies uncorrelated shares, to aapka मोस्ट ऑफ द डाइवर्सिफाइबल रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाएगा, उससे आप इफेक्टेड नहीं होंगे. राइट, सो इंटरप्रेटिंग टू स्टॉक पोर्टफोलियो रिस्क फॉर्मूला, नो मैटर वट वी डू वी कैन नॉट एलिमिनेट द मार्केट रिस्क. सो एज आई टॉक्ड अबाउट इट कि मार्केट रिस्क इज अ रिस्क वी हैव टू लिव विद, वी कैन नॉट कंप्लीटली एलिमिनेट द मार्केट रिस्क. मार्केट that market risk becomes a minimum risk we have to live with in our portfolio. So jaisa ki humne dekha hai ki we can entirely diversify the company specific risks agar hum carefully chosen 7 stocks choose karte hain, to we eliminate most of the diversifiable risk. If we are choosing 40 stocks then we eliminate all of the diversifiable risk, but we cannot eliminate the market risk because देखिए अगर हमने सारा भी जो डाइवर्सिफाइबल रिस्क है उसको हमने ख़त्म कर दिया तो अगर पूरी मार्केट में एक प्रॉब्लम आती है तो वी विल बी इफेक्टेड बाय दैट. सो वी कैनॉट एलिमिनेट द मार्केट रिस्क, वी हैव टू लिव विद दैट रिस्क. हमें देखना पड़ेगा. सो इसका मतलब है कि जो द ओनली रिस्क विच मैटर्स इज द मार्केट रिस्क बिकॉज द रेस्ट ऑफ इट कैन बी डाइवर्सिफाइड. सो ओवरऑल जो रिस्क मैटर करता है ज़्यादा वो मार्केट रिस्क करता है. दैट्स वाई मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. उनको हमें बड़े गौर से देखना पड़ता है. आप अक्सर देखते होंगे कि गवर्नमेंट जब चेंज होती है तो कई दफ़ा स्टॉक प्राइस बहुत ऊपर जाती है, कई दफ़ा स्टॉक प्राइस बहुत नीचे आती है. अगर आप इंडिया में देखें तो अभी मिस्टर नरेंद्र मोदी वन द इलेक्शन एंड दे थिंक दैट इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर देयर कंट्री बिकॉज उनकी जो स्टेट थी गुजरात दैट हैज़ परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल
वहाँ पे जो उनके इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं बहुत अच्छे रहे हैं, पूरे इंडिया में ग्रोथ डाउन हो रही है, लेकिन गुजरात में गुजरात हैज़ परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल एंड इज बैक्ड बाय द बिग इन्वेस्टर्स लाइक टाटा एंड रिलायंस ग्रुप एंड दीज आर बिग इन्वेस्टर्स इन इंडिया. सो पीपल थिंक दैट अब मोदी साहब इंडिया में जब ओवरऑल पूरी इंडिया की गवर्नमेंट को रन करेंगे तो इट विल बी प्रॉस्परिंग फॉर द होल कंट्री. वो जो गुजरात में जो उनका इफेक्ट था इकॉनमी के ऊपर वो पूरी इकॉनमी में लेके आएंगे. सो लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स. लेकिन ये न्यूज़ आने की वजह से काफ़ी स्टॉक मार्केट में पॉइंट्स इंक्रीज हुए एंड नाउ आई थिंक यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि मार्केट रिस्क कैसे इफेक्ट कर रहा है आपके स्टॉक्स को, आपके पोर्टफोलियोज को. द इम्पॉर्टेंट थिंग देन टू रिमेंबर इज दैट हाउ दिस रिस्क विल बी इफेक्टेड वेन वी टॉक अबाउट पोर्टफोलियो ऑफ टू और मोर स्टॉक्स. द कोरिलेशन कोफिशिएंट्स नीड्स टू बी अंडरस्टूड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रिस्क एंड रिटर्न. सो कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि कोई भी स्टॉक्स जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि कितने कोरिलेटेड हैं. कोरिलेशन कोफिशिएंट हमें बताता है कि व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन द स्टॉक्स. ये वो पॉजिटिव कोरिलेटेड हो सकते हैं, नेगेटिवली कोरिलेटेड हो सकते हैं, या फिर बिल्कुल कोरिलेटेड नहीं हो सकते. अगर वो कम्प्लीटली नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करें, मतलब एक अगर ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे जा रहा है, तो दीज आर नेगेटिवली कोरिलेटेड. परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड इज रिप्रेजेंटेड बाय -1. अगर हम देखते हैं कि दोनों कम्प्लीटली सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दे आर परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय +1. अगर बिल्कुल कोरिलेटेड नहीं है तो वो 0 होगा. तो यूजली ये नंबर -1 और +1 के दरमियान में होता है और हम इसको यूज़ करते हैं. राइट, कोरिलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट का ये सिंबल है, हम इसको रो भी कहते हैं. रो इट्स अ ग्रीक अल्फाबेट अल्फाबेट आई थिंक इसको रो कहा जाता है. रिस्क ऑफ ए पोर्टफोलियो ऑफ ओनली टू स्टॉक्स ए एंड बी डिपेंड्स ऑन कोरिलेशन बिटवीन दोज टू स्टॉक्स. द वैल्यू ऑफ रो इज बिटवीन -1 एंड +1. सो हमने देखा है कि रिस्क ऑफ ए पोर्टफोलियो ऑफ ओनली टू स्टॉक्स डिपेंड्स ऑन कोरिलेशन बिटवीन दो जो रिस्क जो पूरे पोर्टफोलियो का रिस्क होता है वो डिपेंड करता है कि कोरिलेशन क्या है दो स्टॉक्स के दरमियान. जो रो की वैल्यू होती है दैट फॉल्स बिटवीन -1 एंड +1. सो -1 और +1 के दरमियान में रो की वैल्यू फॉल कर रही है. एंड मैंने आपको बताया कि इफ दे आर कम्प्लीटली नेगेटिवली कोरिलेटेड देन इट्स -1. जब दोनों बिल्कुल कम्प्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो इट्स +1. सो इट ऑलवेज फॉल्स बिटवीन दीज. इट इज़ वेरी हार्ड टू गेट -1 और +1 स्टॉक्स. सो ये जो वैल्यू वैल्यू होती है majority of the time it falls between these two thresholds. If rho is equal to 0, the investments are uncorrelated and risk formula simplifies to weighted average formula. So obviously, अगर हम rho 0 के equal है तो investments uncorrelated है. So मैं कुछ आपको दिखा दूँ, अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा तो obviously ये पूरी term हमारी 0 हो जाएगी, तो ये simply weighted average बन जाएगी term. Because it is multiplying by all these, and आपको पता है जब multiply by 0 करें तो ये सारी term 0 हो जाएगी. एंड इट जो हमारी रिस्क है वो सिंपली हमारी वेटेड एवरेज दोनों स्टॉक्स की हो जाएगी. सो रिमेंबर दिस, इफ रो इज 0 देन इन्वेस्टमेंट्स आर अनकोरिलेटेड एंड रिस्क फार्मूला सिंपलीफाइज टू वेटेड एवरेज फार्मूला. अगर रो 0 के इक्वल है देन इन्वेस्टमेंट्स आर अनकोरिलेटेड एंड रिस्क फार्मूला सिंपलीफाइज टू वेटेड एवरेज फार्मूला. कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इफ रो इज -1, अब देखें अगर रो -1 है इट मींस दैट इन्वेस्टमेंट्स आर परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड. इट्स इफ इट इज -1 देन द इन्वेस्टमेंट्स आर परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड एंड द रिटर्न्स और प्राइसेस और वैल्यूज ऑफ द टू इन्वेस्टमेंट्स मूव इन एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन और एंड द रिटर्न्स और प्राइसेस और वैल्यूज ऑफ व्हाटएवर यू आर कंपेयरिंग ऑफ द टू इन्वेस्टमेंट मूव इन एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शंस. आई विल एक्सप्लेन दैट. इन द आइडियल केस ऑल रिस्क कैन बी डाइवर्सिफाइड अवे. For example, if the price of one stock increases by 50%, then the price of another stock goes down by 50%. So, sara risk eliminate ho sakta in the ideal case. In reality, overall row of most companies market is about 0.6. So, reality mein overall row of the most stock market is about row is equal to about 0.6. Positive 0.6 hota hai. It is very rough rule of the thumb. It means that the correlations are not completely perfect, and you should remember that if the correlation coefficient is 1, then it is not possible to reduce the diversifiable risk. So obviously, अगर correlation coefficient 1 के equal है, इसका मतलब है कि फिर तो अगर आप एक एक stock में investment कर रहे हैं या सारे stock में investment कर रहे हैं, doesn't make a difference, because वो उन stocks को add करने से आपको कोई diversification का फायदा फिर नहीं मिलेगा.
इसलिए कि देखें फिर एक स्टॉक में जितनी इंक्रीज हो रही है दूसरे में भी उतनी इंक्रीज हो रही है, तीसरे में भी उतनी इंक्रीज हो रही है. सो बट दैट इज़ नॉट नॉट नॉर्मली पॉसिबल बिकॉज हर स्टॉक के इंडिविजुअल काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हर कंपनी की इंडिविजुअल जो चीज़ें होती हैं वो दूसरी कंपनी से डिफरेंट होती हैं. ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमेशा वो एक वन के एक वालों. लेकिन नॉर्मली ये देखा गया है कि फॉर मोस्ट स्टॉक मार्केट्स रो फॉर मोस्ट स्टॉक मार्केट्स अबाउट 0.6, कि नॉर्मली जो शेयर का सॉरी जो रो होता है इट्स 0.6. ये एक रफ रूल है, हो सकता है नंबर चेंज भी होते रहते हैं, आप नया नंबर भी देख सकते हैं ये. अगर इफ यू सर्च ऑन द इंटरनेट यू कैन फाइंड आउट इजली. सो कोरिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस के पोर्टफोलियो के रिस्क जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कोरिलेशन के ऊपर. यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बार बता चलूँ कि द रिस्क हैव टू बी अनकोरिलेटेड अनकोरिलेटेड. अगर और इसको इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस अजम्पशन भी कहा जाता है. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम ये सोचते हैं कि रिस्क अनकोरिलेटेड हैं, एंड ये जो रिस्क होते हैं ये इनकी कोरिलेशन चेंज भी हो सकती है इन केस ऑफ अ क्राइसिस. रिसेंट जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया उससे पहले सब लोग यही सोचते थे कि इंडिपेंडेंट जो रिस्क हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, अनकोरिलेटेड हैं, उसके बेसिस पर अपने एनालिसिस किए हुए थे. लेकिन जब क्राइसिस आया, जब मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स 2007-2008 में बहुत ज़्यादा ख़राब हुए, तो सब रिस्क ने सारे रिस्क रिलेटेड हो गया. उस टाइम सब चीज़ों ने नेगेटिवली मूव करना शुरू कर दिया. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद योर कैलकुलेशंस. इसमें इसलिए ये है कि एक चीज़ पर बहुत एक एनालिसिस पर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं किया जा सकता. वी हैव टू बी मल्टी डायमेंशनल, हमने मुख्तलिफ जावियों से देखना है और हमने हर चीज़ देखनी है कि अगर मार्केट पोजिशन चेंज होती है फ्यूचर में तो उससे हमारे कोरिलेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और हमारे ओवरऑल जो हमारा हमारा पोर्टफोलियो रिस्क उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा. दीज आर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स टू रिमेंबर. And you should be very careful in applying these concepts. This means that increasing the number of investment in the portfolio can reduce some amount of risk, but not all risk. So we'll just do a recap of complete two stock investment portfolio data. Portfolio risk को हम थोड़ा सा एक दफ़ा recap कर लेते हैं, because हमने दोबारा से एक correlation coefficients वगैरह सबको देखा है. So let's just redo the example. So this was the example we did. Complete two stock investment portfolio data. So the value of stock A, the value of our investment in stock A is 30, the value of our investment in stock B is 70, and अगर हम overall percentage देखते हैं, stock A में हमारी 30 by 100, हमारी जो amount of value है, percentage of investment है, वो 30 by 100, it's 30%, and stock B में 70 by 100, it's 70%. Second thing, expected return on the on stock A is 20%, expected return on stock B is 10%, and stock A ka risk standard deviation is 20%, stock B ka risk standard deviation is 5%. Total value is 100. Correlation coefficient jo hum dekhte hain, so it is point plus 0.6. जो हमने देखा था, जो हमने average correlation coefficient देखा, जो stocks का mostly stock markets पे था, हमने वही लिया. So जब हम यहाँ पे आते हैं तो just see the formula again. I'm repeating this formula quite. I've repeated this formula quite a few times because I just want you to remember this formula, because it will be used a lot in future, and I just want you to come in terms with this formula. So, x a square percentage of your investment in a square plus sigma a square plus standard deviation of a square plus percentage of investment in b square plus standard deviation of b square plus 2 into percentage of investment in a percentage of investment in b. सिग्मा ए सिग्मा बी एंड रो ए बी. रो ये जो मैंने आपको बताया था कोरिलेशन का जो ये सिंबल है इसको रो कहा जाता है. रो ए बी टेल्स यू द कोरिलेशन बिटवीन द टू टू स्टॉक्स विच इन आवर केस इज 0.6. सो जब हम इन तीन न्यू आई गेव द कंप्लीट वर्किंग्स ऑफ दिस इन द लास्ट फ्यू पेजेस. यू कैन सी इन द बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर, इसलिए मैं वो सब चीज़ें दोबारा नहीं ले रहा. सो इस टाइम का जो मेरे पास नंबर आ रहा है 0.0036. इस टाइम का जो नंबर आ रहा है वो दिस इज द नंबर. दिस आर ऑल द नंबर्स. इसको मल्टीप्लाई करें 0.5 से, बिकॉज वी नीड टू टेक द अंडर रूट ऑफ दिस टर्म. और ये टर्म हमारे पास है, यू कैन ईदर टेक द अंडर रूट और डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 0.5. सो द नंबर वी गेट इज 0.857. 0.857 मेरे पास नंबर आ रहा है, एंड दैट इज द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो 8.57%.
सो हमारे होल पोर्टफोलियो का रिस्क कितना आ रहा है। अगर स्टॉक ए का इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डेविएशन देखें दैट इज 20%, स्टॉक बी की इंडिविजुअल देखें तो दैट इज 5%। तो ये लेकिन जो जब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, कोरिलेशन के इफेक्ट्स भी देखते हैं, तो हमारे पास जो ओवरऑल इस पोर्टफोलियो का रिस्क आ रहा है दैट इज 8.57%। टू स्टॉक पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेशन, अब रिटर्न जब हम देखते हैं इस पर क्या आ रहा है, आर पी इज इक्वल टू एक्स ऑफ ए इंटू आर ए जो परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ए है इंटू आर ए प्लस परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बी इंटू आर बी एंड दैट टर्न्स आउट टू बी 6 + 7, 7 इज इक्वल टू 13%। सो नो कम्प्लिकेशन इन रिटर्न कैलकुलेशन, लेकिन जब हम रिस्क कैलकुलेशन करेंगे तो हमें वी हैव टू फॉलो दिस फार्मूला, जिसमें हम कोरिलेशन टर्म को कोरिलेशन भी डालेंगे और ये कोवेरियंस की जो पूरी टर्म आती है इसको भी हम शामिल करेंगे, तो हमें पूरे स्टॉक का एक रिस्क मिलेगा। उसके बाद हम रिटर्न कैन बी फाउंड इजिली बाय मल्टीप्लाइंग द परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ए बाय रिटर्न ऑफ ए, परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ए 30/100, 30%, रिटर्न ऑफ ए इज 20%, परसेंटेज इन्वेस्टमेंट इज 70/100, रिटर्न इज 10%। सो ऑल यू हैव टू डू इज डू दिस मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यू विल गेट 6 + 7 इज इक्वल टू 13%। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, द पोर्टफोलियो रिस्क ऑफ आवर बास्केट ऑफ टू इन्वेस्टमेंट्स इज 8.57% इफ रो इज इक्वल टू +6। व्हाट डज दैट मीन? जो हमारा पोर्टफोलियो का रिस्क है बास्केट ऑफ टू इन्वेस्टमेंट दैट इज 8.57%, अगर रो 0.6 के इक्वल है, सो अगर रो 0.6 के इक्वल है, सो लेट्स सी। सो अगर हम बेल कर्व अजम्पशंस पे जाते हैं दोबारा, वी सी द डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, रिमेंबर द बेल कर्व अगेन, मार्कोव अजम्पशंस, इफ वी अज्यूम अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देन देर इज 68.26% चांस दैट आर पोर्टफोलियो रिटर्न विल बी समवेयर बिटवीन आर पी माइनस सिग्मा एंड आर पी प्लस सिग्मा। सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द होल पोर्टफोलियो, आर इज द रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। सो अभी हमने देखे बेसिकली इफ वी अज्यूम अ नॉर्मल देन देर इज 68.26% चांस दैट आर फ्यूचर पोर्टफोलियो रिटर्न। अब हमने ये वाला जो हमारा ये एस्टिमेटेड रिटर्न है, एस्टिमेटेड रिटर्न है, दिस इज आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द होल पोर्टफोलियो जो हमारे इन सब चीज़ों पर आ रही है। तो अब अभी हम देखना चाहते हैं जो हमारा रियल रिटर्न होगा वो हम बता सकें कि 68 पॉइंट, हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल दें और बता सकें कि 70% दे 70% चांस कि जो हमारा रियल रिटर्न है वो इस कॉन्फिडेंस इंटरवल के दरमियान फॉल करेगा। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा? दैट कॉन्फिडेंस इंटरवल जो मैंने आपको बताया था दैट विल बी आर पी माइनस सिग्मा आर पी प्लस सिग्मा। अगर हम 70% देखना चाहते हैं तो दैट विल बी वन स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव, वन स्टैंडर्ड डेविएशन नेगेटिव। सो आर पी, व्हाट वाज आर पी? आर पी एज वी फाउंड इट टू बी वॉज 13% और जो स्टैंडर्ड डेविएशन इज 8.57%। सो 13% प्लस 8.57% से हमें पॉजिटिव साइड पे जो हमारी वो मिल जाएगा एंड आर पी माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन से हमें नेगेटिव साइड पे हमारा मिल जाएगा। और हम कॉन्फिडेंस इंटरवल में ये इस छोटे से बता सकते हैं कि 70% चांस है कि जो हमारा रियल रिटर्न होगा वो इसके दरमियान फॉल करेगा। सो लेट्स सी, देख लें सेम द नंबर्स आर द सेम, 30% माइनस 8.57% एंड 13% प्लस 8.57% और बिटवीन 4.43% एंड 21.53%। सो वी आर 70% श्योर कि जो हमारा रिटर्न है वो फॉल करेगा इन दोनों रिटर्न के दरमियान। पोर्टफोलियो रिस्क लाइज बिटवीन इंडिविजुअल रिस्क ऑफ द टू इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज यू कैन ऑल्सो कम अप विद मोर एक्यूरेट आउटकम बाय द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो आफ्टर वन ईयर इफ यू टेक अ लार्जर रेंज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आप इससे ज़्यादा एक्यूरेसी चाहते हैं तो आपको लार्जर रेंज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन लेनी पड़ेगी, फिर आप टू स्टैंडर्ड डेविएशन लें अगर आप 95% कॉन्फिडेंस होना चाहते हैं, अगर आपको एक 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए। सो इसके लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो हमारे पास जो रेंज आएगी वो इससे कुछ ज़्यादा बड़ी होगी, बट विल बी मोर कॉन्फिडेंट दैट द ट्रू रिटर्न इज गोइंग टू फॉल इन दैट रेंज। सो यू कैन ऑल्सो कम अप इन मोर एक्यूरेट आउटकम अबाउट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो आफ्टर वन ईयर इफ यू टेक अ लार्जर रेंज फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन। इंटरप्रिटेशन रिजल्ट्स में हम दोबारा से देखते हैं। सो इफ यू आर टेकिंग टॉकिंग अबाउट द रेंज फ्रॉम -2 सिग्मा टू +2 सिग्मा टूअर्ड्स देन देर इज
likelihood that actual rate of return of portfolio somewhere in between the two standard deviations. So again, ये two standard deviations का बता रहे हैं कि अगर मीन से हम टू स्टैंड डिविएशंस पे ले जाते हैं तो हमारे पास लार्जर रेंज आएगी, बट वी विल बी 95% कॉन्फिडेंस, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा. दैट इज अ स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट विच इज अगेन अप्लाइड हियर. राइट, सो नाउ कमिंग टू रो. नोट, इफ रो इज -6, राइट, हमने +6 लिया था. अगर रो इज -6 नेगेटिव कोरिलेशन, देन द पोर्टफोलियो रिस्क इज +4.8 विच इज लोअर देन बोथ इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स. इस केस में जो हमने रो लिया है वो +6 है, और हमारे पास जो हमारा जो ओवरऑल हमारा रिस्क आ रहा है वो 8.57 आ रहा है. अब हमने देखा है कि ये रो अगर -6 हो तो हमारा जो रिटेट जो रिस्क है पोर्टफोलियो का वो 4 point something आ जाता है. सो वो इन दोनों से कम है. वो क्यों कम है? बिकॉज दोनों नेगेटिवली कोरिलेटेड है. अगर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा, दूसरा नेगेटिव में मूव करेगा, उतना नहीं करेगा, 1 by 1 नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे होगा. सो इस वजह से जो हमारा रिस्क है वो कम हो जाएगा, बिकॉज ओवरऑल हम किसी भी चीज़ से ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होंगे. लेकिन इन दिस केस दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक थोड़ा कम कर रहा है, एक थोड़ा ज़्यादा कर रहा है, लेकिन दोनों एक डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, इसलिए हमारा रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा. सो रिमेंबर दिस थिंग दैट इफ रो इज -0.6 नेगेटिव कोरिलेशन, देन पोर्टफोलियो रिस्क इज 4.8 विच इज लोअर देन बोथ इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स बिकॉज दे आर नेगेटिवली कोरिलेटेड. नाउ वी कंसीडर द केस ऑफ नेगेटिवली कोरिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स. राइट, सो वी विल डू एन होल एग्जांपल ऑफ दैट. सो इसमें आप देखें कि स्टॉक ए में एक्सपेक्टेड इंडिविजुअल रिटर्न 20% है, एंड इंडिविजुअल इंडिविजुअल रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन इज 20%. स्टॉक बी में 10% एंड 5% जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 10% है, और इंडिविजुअल जो हमारा रिस्क है स्टैंडर्ड डेविएशन वो 5% है. कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हमने -6 लिए. सो हम डिफरेंट फ्रैक्शंस यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हमने 100% ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टॉक ए में की हुई है. पोर्टफोलियो एंड रिस्क रिटर्न टेबल फॉर डिफरेंट पोर्टफोलियो मिक्सेस. ऑब्वियसली जब हम पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करते हैं हम डिफरेंट मिक्सेस देखते हैं कि इतने परसेंट इन्वेस्टमेंट हमारे इतने इस एसेट में है, इतने परसेंट इन्वेस्टमेंट हमारे इस एसेट में है, तो इनसे क्या फ़र्क आ रहे हैं वो हम देखते हैं. ये अगर पोर्टफोलियो रिस्क रिटर्न टेबल में हम देखते हैं फॉर डिफरेंट पोर्टफोलियो मिक्सेस, फ्रैक्शन ऑफ स्टॉक ए अगर 100% इन्वेस्टमेंट हमने स्टॉक ए में कर दी है तो जो हमारे पोर्टफोलियो का रिस्क होगा तो ऑब्वियसली वो हमारे स्टॉक ए का ही होगा. पोर्टफोलियो का रिस्क हमारा 20% होगा और जो रिटर्न होगा वो भी 20% होगा, बिकॉज ये दोनों इसके ही होंगे. अगर 80% हमारी इन्वेस्टमेंट स्टॉक ए में, अगर 80% हमारी इन्वेस्टमेंट स्टॉक ए में है, इसका मतलब हमारी 20% इन्वेस्टमेंट स्टॉक बी में होगी. सो हमारा जो ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क आ रहा है वो 15% आ रहा है, वो जो हमारा एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न आ रहा है. ये हमने जो मेन फार्मूला पोर्टफोलियो वाला जिसमें हम कोरिलेशन ये वाली यूज़ करेंगे उसके मुताबिक हमारा रिस्क आएगा 15%. और ये जो आपने देखा है रिटर्न है, रिटर्न को फाइंड करना आसान है, आपने सिर्फ परसेंटेज लेनी होती है और रेट ऑफ रिटर्न लेना होता है. परसेंटेज 80% हमने इन्वेस्ट किया है, 80% देख लें, 80% हमने इन्वेस्ट किया स्टॉक ए में, तो 80% मल्टीप्लाई बाय जो रिटर्न है ए का 20% है, और 20% हमने बी में किया तो उसका रिटर्न 10%. राइट, सो वी जस्ट सॉ कि नेगेटिवली कोरिलेटेड इन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा है. अगर हम 100% एक स्टॉक में स्टॉक ए में इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वी आर जस्ट इन्वेस्टिंग स्टॉक एज, रिस्क एंड रिटर्न होगा वो स्टॉक ए का रिस्क एंड रिटर्न ही होगा. देख लें स्टॉक ए का रिस्क है और रिटर्न यहाँ पे थोड़ी सी अलाइनमेंट प्रॉब्लम है, 20% रिटर्न. अगर हमने 80% स्टॉक ए में इन्वेस्ट किया है तो जो हमारा पोर्टफोलियो का रिस्क है वो 15% हो जाएगा. वी गेट दिस बाय द इक्वेशन, मैं आपको इक्वेशन दोबारा दिखा देता हूँ. वी गेट दिस बाय दिस इक्वेशन, यू हैव टू पुट ऑल दिस नंबर्स इन देयर एंड यू विल गेट द रिस्क नंबर विच इज़ 15% एंड एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न जो हमारा है वो 18% आ रहा है. उसके लिए सिर्फ हमें वेटेड एवरेज लेनी पड़ती है 0.8 हमारी इन्वेस्टमेंट 80% ए में है तो इसका 20% रिटर्न, 0.2 हमारी बी में तो इसका 10% रिटर्न से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 18% आ जाएगा. अगर हम 50-50 आ जाते हैं, 50% हम ए में करते हैं 50 बी में करते हैं, तो हमारा पोर्टफोलियो का रिस्क 9% बन जाता है और पोर्टफोलियो का रिटर्न हमारा 15% है. 0.5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो अगेन दैट अगर हम 30% ए में करते हैं और 70% बी में करते हैं तो हमारा जो ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न आ रहा है 4.8% एंड जो हमारा रिस्क है वो 13% आ रहा है. और इसी तरह से अगर हम 15% ए में करते हैं और 85% बी में करते हैं तो हमारा जो ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न आ रहा है दैट इज 3.4% और जो हमारा रिस्क आ रहा है 3.4% और रिटर्न है वो 11.5%. अगर हम सारी की सारी इन्वेस्टमेंट बी में करते हैं, ए में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो फिर भी डायनामिक्स ये हो जाएंगे 5%
हमारा रिस्क हो जाएगा और रिटर्न हमारा 10% होगा. सो यू कैन सी कि बाय कंबाइनिंग व्हाट इज़ द बेनिफिट एंड व्हाट वी आर लूजिंग. सो ये सब चीज़ें हमारी यहाँ पे कंसिडरेशन में आती हैं कि हम कैसे कवर करें. अभी सब इस केस में देखें, ये वाला वो वाला केस है जो 30% जो हम पुरानी एग्जांपल में देख रहे थे, कि पिछले एग्जांपल में देखा था जब हमारा +6 रो था, +6 था तो 8 पॉइंट समथिंग हमारा रिस्क आ रहा था, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो 4.8 रिस्क आ रहा है, 4.8 रिस्क आ रहा है. और हमारा जो रिटर्न अगर हम 30% ए में डालेंगे और 70% बी में डालेंगे तो हमारा रिस्क 4.8 हो जाएगा और हमारा रिटर्न 13% होगा. अगर हम इस चीज़ को फर्दर भी डिक्रीज़ कर सकते हैं, अगर हम 15% ए में इन्वेस्ट करें और 85% बी में इन्वेस्ट करें तो हमारा सिर्फ देखें पोर्टफोलियो की स्टैंड डिवीजन इट इज़ वेरी लो, स्टैंड डिवीजन 3.4 काफ़ी लो है. एंड जो 11.5% हमारा रिटर्न होगा, इसका मतलब है कि अगर हम 70% कॉन्फिडेंस से बताना चाहते हैं क्या रेंज है, तो 11.5% पे +3.4 आप करें, 3.5 कर लेते हैं तो ये हमारे पास 15 आ जाएगा. 15 एक साइड पे आ जाएगा जो हमारी हायर हायर लिमिट बनती है, और लोअर लिमिट हमारी जो बनती है वो अबाउट हमारी 8 बनती है, राइट. सो बिटवीन 8 to 15%, बिटवीन 8 to 15%, इतना बड़ा इंटरवल नहीं है. हाँ, वी विल बी 70% छोड़ के जो हमारा एक्चुअल रिटर्न आएगा उसके दरमियान आएगा इफ़ वी टेक दिस ऑप्शन. सो यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट वो लेके बता दिया कि हाउ परसेंटेजेस इफेक्ट द रिस्क. एंड अगर नेगेटिव कोरिलेटेड एसेट्स हम इन्वेस्टमेंट्स हम देखें तो इस केस में क्या डिफरेंस आ रहा है, राइट. सो नाउ वी सी एफिशिएंट पोर्टफोलियो मैप. हम एफिशिएंट पोर्टफोलियो मैप देखते हैं कि व्हाट इज़ द एफिशिएंट पोर्टफोलियो मैप एंड हाउ डज इट इफेक्ट, हाउ डज इट इफेक्ट ऑल दिस स्टफ. एफिशिएंट पोर्टफोलियो मैप शोज ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टॉक नेगेटिवली कोरिलेटेड -6. अगर नेगेटिवली कोरिलेटेड दो स्टॉक्स हैं तो उसमें बताता है कि उसके रिस्क एंड रिटर्न क्या है. सबसे पहले मैंने देखा, इट इज़ जस्ट शोइंग, ये जो आपको मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन नजर आ रही है वो एक ग्राफिकल सिचुएशन में एक ग्राफ्स में बता रही है ताकि आपको ज़्यादा आसानी से आप उसको समझ सकें. एक्स एक्सिस पे हमारे पास पोर्टफोलियो रिस्क है, दिस इज स्टैंड डेविएशन ऑफ पी, दैट इज पोर्टफोलियो रिस्क. एंड वाई एक्सिस पे हमारे पास पोर्टफोलियो का रिटर्न है RP, राइट. सो सबसे पहले हम देखते हैं पहली सिचुएशन, जब 100% हमने स्टॉक ए में इन्वेस्ट किया तो 20% हमारा पोर्टफोलियो का रिस्क है और एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% है. सो लेट्स सी, दिस इज स्टॉक ए. अब हम कम्प्लीटली हमारी यहाँ स्टॉक ए में 100% इन्वेस्टमेंट, बी में कुछ नहीं देखें, 20% हमारा रिस्क है और 20% हमारा रिटर्न, राइट. सो अब हम इसको अगर हम 80% पर चले जाते हैं तो हमारा पोर्टफोलियो का रिस्क 15% हो जाएगा और हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न 18% है. सो लेट्स सी, अब हमने इसमें 80% ए कर लिया है एंड 20% बी इस पॉइंट पे है तो हम देखते हैं हमारा 15% पोर्टफोलियो का रिस्क आ गया है और हमारा जो रिटर्न आ रहा है दैट इज़ अबाउट 18%. अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, 50% 50 करते हैं तो हमारा पोर्टफोलियो का रिस्क 9% हो गया था, पोर्टफोलियो का रिटर्न 15%. सो पोर्टफोलियो का रिस्क यहाँ पे 9% है 50-50 में, पोर्टफोलियो का रिटर्न 15%. फोर्थ जो हमने देखा था कि अगर हम 30% ए में इन्वेस्ट करते हैं और 70% बी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पोर्टफोलियो का रिस्क 4.8 हो जाता है, रिटर्न हमारा 13% हो जाता है. सो पोर्टफोलियो का रिस्क हमारा 4.8 हो गया और हमारा रिटर्न 13%. सो फाइनली अगर हम 15% ए में करते हैं और 85% बी में करते हैं तो हमारा यहाँ पे जो रिस्क है वो 3.4% हो जाता है और हमारा रिटर्न 11.5% हो जाता है. एंड दिस इज़ पॉइंट ऑफ मिनिमम रिस्क, दिस इज़ पॉइंट ऑफ मिनिमम रिस्क. अगर आप इसके बाद कम्प्लीटली इन्वेस्टमेंट अगर आप यहाँ पे अभी 15% ए में किए, अगर आप 14% कर लेंगे ए में और 86% बी में करेंगे तो आप देखेंगे कि रिस्क दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया. रिस्क दोबारा से जो डिक्रीज जो देखें जो रिटर्न भी डिक्रीज़ हो रहा है लेकिन रिस्क भी सिग्निफिकेंटली यहाँ पे हमें डिक्रीज हुआ है. लेकिन यहाँ से इसके बाद अगर हम परसेंटेज चेंज करना शुरू करेंगे तो देखें कि हमारा रिटर्न जो जो रिस्क है वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया और रिटर्न भी हमारा माइनस नेगेटिव में आ रहा है. सो देर इज़ नो पॉइंट मूविंग टूवर्ड्स दैट बिकॉज यहाँ पे हमारा रिस्क भी बढ़ रहा है और रिस्क भी बढ़ रहा है और रिटर्न जो है वो भी कम हो रहा है. सो देखिए रिस्क बढ़ रहा है, रिस्क इस साइड पे बढ़ेगा और रिटर्न जैसे हम इस नीचे की तरफ जाएंगे तो वो कम होगा. तो देर इज़ नो पॉइंट इन्वेस्टिंग इन ऑन दिस एंड दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, पॉइंट ऑफ मिनिमम रिटर्न, मिनिमम रिस्क. इस पॉइंट पे हमारा रिस्क मिनिमम है जिसके ऊपर हम 11.5% रिटर्न बना रहे हैं. सो दिस गिव्स यू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट एंड इट इज ग्राफ्स आर ऑलवेज हेल्पफुल एंड अंडरस्टैंडिंग दिस काइंड ऑफ स्टफ.
So, efficient portfolio interpretation. Efficient portfolio map for two stock portfolio shows all possible efficient combination mixes of stocks. Right, so ठीक है, सो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है सारे हमने देखे. इस पर हम मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए, लेकिन आप बाकी सब पॉइंट्स भी देख सकते हैं. अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा रिस्क रिटर्न आ रहा है वो अगर हम 75 यहाँ पे हम अबाउट ये होगा 50 और 80 के दरमियान में अगर हम देखते हैं तो 65 अबाउट 65 पे अगर हम यहाँ पे 65% हमारी एम इन्वेस्टमेंट होगी और 35 बी में होगी तो ये हमारे रिस्क रिटर्न कम रहेगा. तो ये हमें सारे पॉइंट बताते हैं कि जितने भी पॉइंट बनते हैं वो सारे बता रहे हैं. एफिशिएंट पोर्टफोलियो मैप फॉर टू स्टॉक पोर्टफोलियो शोज ऑल पॉसिबल एफिशिएंट कॉम्बिनेशन मिक्सेस ऑफ स्टॉक. सो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें बता रहे हैं. एफिशिएंट पोर्टफोलियोज आर दोज हुज रिस्क एंड रिटर्न वैल्यूज मैच द वंस कंप्यूटेड यूजिंग थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी फार्मूलाज. तो देखिए, सबसे पहले हमने थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी फार्मूला से जो सब कुछ निकाला वही सब कुछ हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पिक्चर के अंदर इन अ ग्राफिकल पोर्टफोलियो मैप इन इन अन एफिशिएंट पोर्टफोलियो मैप. द इंक्रीमेंटल रिस्क कंट्रीब्यूशन ऑफ अ न्यू स्टॉक टू अ फुली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ 40 अनकोरिलेटेड स्टॉक्स विल बी मार्केट रिस्क कंपोनेंट ऑफ द न्यू स्टॉक ओनली. सो इसका मतलब है कि अगर हम इंक्रीमेंटल रिस्क कंट्रीब्यूशन ऑफ अ न्यू स्टॉक, देखिए द इंक्रीमेंटल रिस्क कंट्रीब्यूशन ऑफ अ न्यू स्टॉक टू अ फुली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो 40 अनकोरिलेटेड स्टॉक. अगर हम 40 अनकोरिलेटेड स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में एक ओ स्टॉक ऐड करेंगे तो जो 101 हम और उसमें स्टॉक ऐड करेंगे तो जो इससे रिस्क उसमें ऐड होगा वो मार्केट रिस्क कंपोनेंट होगा नए स्टॉक का, ओनली द मार्केट रिस्क कंपोनेंट, बिकॉज कंपनी स्पेसिफिक जितने भी रिस्क थे वो ऑलरेडी हम डाइवर्सिफाई कर चुके होते हैं. सो वी जस्ट सॉ दैट एफिशिएंट पोर्टफोलियो मैप्स शो ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स. जैसे हमें पता चलता है कि उनके रिस्क एंड रिटर्न कैसे चेंज होता है इफ यू आर डिफरेंट परसेंटेज ऑफ टू एसेट्स. अब जो इस तरह के पोर्टफोलियो एफिशिएंट पोर्टफोलियो मैप्स हैं वो हम काफ़ी यूज़ करेंगे आगे अपने पोर्टफोलियोज के रिटर्न रिस्क एंड रिटर्न्स के डायनामिक्स को बताने के लिए. सो इट इज़ इन योर बेस्ट इंटरेस्ट टू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ बिकॉज यू विल सी देम अगेन एंड अगेन एंड इट इज़ नथिंग वेरी हार्ड, इट्स सिंपल एंड आप अगर इसको गौर से देखें तो बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. बट दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू इन द फ्यूचर. सो एक चीज़ जो हमने और देखी कि अगर हम कोई एक 40 इफ यू हैव अ पोर्टफोलियो 40 स्टॉक्स अनकोरिलेटेड स्टॉक्स उसके अंदर हम एक और स्टॉक ऐड करेंगे तो जो उसमें इंक्रीमेंटल रिस्क कंट्रीब्यूशन होगा न्यू स्टॉक का वो सिर्फ मार्केट रिस्क कंपोनेंट ऑफ द न्यू स्टॉक होगा और इसलिए बाकी जो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क हैं वो सारा हम डाइवर्सिफाई कर चुके होते हैं इफ़ यू हैव अ पोर्टफोलियो 40 स्टॉक्स. सो द डाइवर्सिफाइबल रिस्क ऑफ द न्यू स्टॉक वुड बी एंटायरली ऑफसेट बाय रैंडम मूवमेंट्स इन द अदर 40 स्टॉक्स. सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो diversifiable risk of the new stock would be entirely offset by random movements in the other 40 stocks. So, जो diversifiable risk होगा वो completely offset हो जाएगा by the random movements in the other 40 stocks. Because हर stock की कुछ random movements हो रही होंगी depending on their own systematic risk. और जो ये आएगा 40 के बाद जो add करेंगे तो वो भी जो उसका risk जितना भी होगा वो diversify हो गया होगा because of the effect of the previous 40 stocks. Adding a new stock to the existing portfolio will create more efficient portfolio curves. The new stock will contribute its own incremental risk and return to the portfolio. जो नया स्टॉक होगा वो अपना इंक्रीमेंटल रिस्क उसमें ऐड करेगा, रिस्क एंड रिटर्न पोर्टफोलियो में ऐड करेगा. सो ये हम देखते हैं आर पी विद 3 स्टॉक्स. आर पी इज इक्वल टू एक्स ए परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ए रिटर्न ऑफ ए, परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बी रिटर्न इन बी, परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सी एंड रिटर्न इन सी विद 3 स्टॉक्स. So efficient portfolio with 3 stocks, we just started seeing this efficient portfolio. और ये जो हमारी purple line है ये मैं बता रही हूँ कि जो हमारा old efficient frontier था with 2 stocks of A and B के साथ जो हमारा old efficient frontier था this was the one. और ये एक तीसरा stock है जिसका अलग से हमारे risk and return dynamics में बता रहे हैं ये नए स्टॉक है. जब ये हम तीनों स्टॉक को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो नया एफिशिएंट फ्रंटियर फॉर 3 स्टॉक्स आता है दिस इज द वन, राइट. सो दिस इज द एफिशिएंट फ्रंटियर विद 3 स्टॉक्स. अब 3 स्टॉक्स के साथ हम देखें
अगर आप थ्री स्टॉक्स के साथ देखें तो हमारी जो इट डिपेंड्स ऑन देखें थ्री स्टॉक पोर्टफोलियो ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, और तीन जो स्टॉक्स हैं वो नेगेटिवली कोरिलेटेड हैं, तो जो हमारा नया ओवरऑल जो हमारा मिनिमम रेट ऑफ एफिशिएंट रिटर्न जो हमने देखा था पिछले केस में पॉइंट ऑफ मिनिमम रिस्क, जो पॉइंट ऑफ मिनिमम रिस्क आ रहा है दैट इज़ 2.5%। लास्ट टाइम जो हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमम रिस्क था दैट वॉज 3.4%। सो इसका मतलब है कि तीसरा अनकोरिलेटेड स्टॉक ऐड करने की वजह से हमारा ओवरऑल रिस्क कम हुआ है, ओवरऑल रिस्क हमारा कम हुआ है और ओवरऑल हमारा रिटर्न ज़्यादा हुआ है। अगर हम रिटर्न इस पॉइंट पे देखते हैं तो वो हमारा 20% है, लास्ट टाइम हमारा 3.4 पे जो हमारा रिटर्न आया था दैट वाज अबाउट 11 पॉइंट समथिंग परसेंट। सो आप देख रहे हैं कि हमारा एक स्टॉक ये जो पुराना फ्रंटियर था वो ये था, जो नेक डायनामिक्स है वो ये है और ये नेगेटिवली कोरिलेटेड है। इसको ऐड करने की वजह से जो हमारा पूरे पूरे एफिशिएंट फ्रंटियर पे फ़र्क पड़ा है, हमारा रिस्क भी कम हुआ है और हमारा रिटर्न भी इंक्रीज हुआ है। सो दैट दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन। हमारा रिस्क जो ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिस्क था वो कम हो गया और जो ओवरऑल हमारा रेट ऑफ रिटर्न था पोर्टफोलियो पे वो इंक्रीज हो गया। सो दैट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट इन दिस, दैट इज़ अ गुड एडिशन इन दिस सेंस, क्योंकि ये तीसरा हमारा स्टॉक था। वो इसी तरह हम जैसे जैसे स्टॉक ऐड करते जाएंगे अनकोरिलेटेड रिस्क के तो ये हमारा रिस्क है वो कम होता जाएगा और डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा जो रिटर्न है वो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। सो देख लें कि कैसे हमारे डायनेमिक्स पूरे पूरे चेंज हो जाते हैं अगर हम स्टॉक्स ऐड करना शुरू करते रहते हैं, और दैट्स वाई इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ पोर्टफोलियो। देख लें अगर हम एक स्टॉक की बात करते हैं तो उसके रिस्क एंड रिटर्न डायनेमिक्स काफ़ी डिफरेंट हैं, अगर हम दो स्टॉक्स का जो वो बात करते हैं तो उसके डिफरेंट है, अगर तीन की बात करते हैं तो खुद देख लें आपका रिस्क कितना कम हो रहा है आपका रिटर्न कितना पड़ रहा है। So that's why it's always good to have a portfolio to put your investment in more than one assets, and especially put more investment in more than one asset which are negatively correlated. So this is the stock portfolio of risk formula 3x3 matrix. अब इसमें तीन जो हमारे assets आ जाते हैं उनका हम मैट्रिक में हमने बता दिया है कि उनके जो रिस्क एंड रिटर्न हैं उनके डायनामिक्स क्या हैं। सो इसमें जो हमारी लेफ्ट से डायगोनल हमारा जा रहा है ये वाला, ये हमें जो स्टॉक्स की वेरिएंस है उसके बारे में बता रहे हैं, बाकी सारे हमारे कोरिलेशंस के बारे में बता रहे हैं कि इन मुख्तलिफ स्टॉक्स के कोरिलेशंस क्या हैं। टू कंप्यूट द पोर्टफोलियो वेरिएंस फॉर थ्री स्टॉक पोर्टफोलियो जस्ट ऐड अप ऑल द टर्म्स इन द एवरी बॉक्स। टू कंप्यूट द पोर्टफोलियो वेरिएंस फॉर अ थ्री स्टॉक पोर्टफोलियो जस्ट ऐड अप ऑल द टर्म्स इन एवरी बॉक्स। अगर हमने वेरिएंस फाइंड करनी है, अगर हमने पोर्टफोलियो की वेरिएंस फाइंड करनी है तो हम इन सब को जितने भी ये सारे ये नंबर्स हमारे पास आते हैं इन सबको हम ऐड कर लेंगे। टू कंप्यूट द पोर्टफोलियो रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपली टेक द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। सो ऑब्वियसली जो हमने वेरिएंस फाइंड किया उसको हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास वेरिएंस आ जाएगी। एंड फाइनली यू कैन एक्सटेंड द मैट्रिक्स अप्रोच टू कैलकुलेट द रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ एनी नंबर ऑफ स्टॉक्स। टर्म्स इन बॉक्सेस ऑन द डायगोनल टॉप लेफ्ट टॉप राइट आर कॉल्ड वेरिएंस टर्म्स एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्क ऑफ ईच स्टॉक। सो देखें जैसे मैंने आपको बताया कि ये वेरिएंस टर्म्स हैं, दीज थ्री टर्म्स आर वेरिएंस टर्म्स। डायगोनल ये होते हैं अगर हम लेफ्ट या ये यहाँ से एक लाइन, एक कोई भी हमारे पास अगर रेक्टेंगल होता है या स्क्वायर होता है तो एक लेफ्ट लेफ्ट से हम एक लाइन लगाएं उसके ऊपर जो उसके टॉप लेफ्ट से शुरू हो राइट अगर वो बॉटम राइट तक जाए तो उसको डायगनल कहते हैं। सो डायगनली जो ये तीन मेरे पास आते हैं ये वेरिएंस टर्म्स हैं, ये तीनों वेरिएंस टर्म्स हैं बिकॉज देखें ये स्टॉक एक ही स्टॉक के साथ वेरिएंस ही बता सकते हैं। स्टॉक बी के स्टॉक बी के साथ वेरिएंस, स्टॉक सी के स्टॉक सी के साथ वेरिएंस ही बताएगा कि इसके जो रिटर्न की वेरिएंस कितनी है। सो इफ़ यू सी टर्म्स इन ऑल अदर नॉन डायगनल बॉक्सेज आर कॉल्ड को वेरिएंस टर्म्स विच अकाउंट फॉर इफेक्ट ऑफ वन स्टॉक मूवमेंट ऑन अदर स्टॉक्स मूवमेंट। सो जो बाकी सारे टर्म्स हैं वो हमें कोवेरिएंस के बारे में बताती हैं। देखें इसके अंदर कोवेरिएशन कोरिलेशन ऑप्शन भी आ रहा है हर इस टर्म के साथ। सो दिस इज़ द कोरिलेशन टर्म। सो ये वही चीज़ें हैं जो हमने टू स्टॉक के लिए फाइंड आउट की थी, लेकिन यहाँ पे द केस इज थ्री स्टॉक तो इसलिए हमारा एनालिसिस थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है जो एक फार्मूले में फिट करना मुश्किल है। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द मैट्रिक्स अप्रोच। और इसमें वी कैन इंक्रीज दिस टू एज मेनी एसेट्स वी वॉन्ट और उन सब पे हम ये एनालिसिस करके देख सकते हैं। सो वी कैन एक्सटेंड दिस टू एज मेनी एसेट्स यू वांट, उसमें हम आसानी से ये एनालिसिस करके देख सकते हैं। जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया टू कंप्यूट द पोर्टफोलियो वेरिएंस ऑफ थ्री स्टॉक पोर्टफोलियो जस्ट ऐड अप ऑल द टर्म्स। टू कंप्यूट पोर्टफोलियो रिस्क सिंपली टेक द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, तो ये आपको बता चुका हूँ। और वेरिएंस टर्म्स मैंने आपको बताया, उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि वो वेरिएंस टर्म्स हमारी इसमें कौन सी और उनको कैसे यूज़ करना।
सो रिमेंबर दिस 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 लुक्स अ बिट डाउंटिंग कि ये लगता है कि थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है, लेकिन इट्स नथिंग हार्ड. आप इसमें ये वही फार्मूला है जो हम पहले देख चुके हैं, बट दिस इज़ इन अ मैट्रिक्स फॉर्म बिकॉज इतनी ज़्यादा टर्म्स को एक फार्मूले में लिखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. सो दैट्स वाई वी यूज़ मैट्रिक्स टर्म. इसमें हम अब जितने भी स्टॉक्स इंक्रीज करना चाहते हैं हम इंक्रीज कर सकते हैं और हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ जाती हैं. और विद द काइंड ऑफ कंप्यूटिंग वी हैव दिस डेज, ये आराम से एक्सेल शीट्स बनाई जा सकती हैं जिसमें आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिसमें ये चीज़ें बहुत आसानी से कैलकुलेट हो सकती हैं. सो देर इज नथिंग कॉम्प्लेक्स इन दिस एंड देर इज नथिंग टू वरी अबाउट. यू विल फाइंड यू कैन फाइंड दीज सोल्यूशन वेरी इजीली. जस्ट टू रीइटरेट फाइनली आज हमने फाइनली लेट मी जस्ट डू अ समरी ऑफ द होल लेक्चर. वी स्टार्टेड विद पोर्टफोलियो रिस्क एनालिसिस एंड एफिशिएंट पोर्टफोलियो मैप्स. एफिशिएंट पोर्टफोलियो मैप्स में हमने देखा कि कौन सा वो पॉइंट है जहाँ पे अगर हम दो एसेट्स अगर हम पोर्टफोलियो में एसेट्स ऐड करते हैं तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ मिनिमम रिस्क और उस पर रिटर्न क्या होगा. वो वाला पॉइंट हम फाइंड करते हैं. दैट इज गुड पॉइंट टू इन्वेस्ट. इसमें जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मैं उनको दोबारा से देख लेता हूँ. अगर हमने पहले दो स्टॉक्स के साथ देखा तो पॉइंट ऑफ मिनिमम हमने देखा कि हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन देख रहे हैं ए और बी के. दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम इन्वेस्टमेंट. जो ये पर्पल आपको नज़र आ रहा है, पर्पल आपको ये अम्ब्रेला टाइप, ये आपको एक कर्व नज़र आ रही है, हुक कर्व नज़र आ रही है. ये यहाँ पे हम अगर देखें तो 15 यहाँ ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे हमने 15% ए में इन्वेस्ट किया है और 85% बी में इन्वेस्ट किया. दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमम रिस्क. 3.4% हमारा रिस्क है और हमारा रिटर्न 11.5% है. मूविंग फॉरवर्ड अगर हम तीन एसेट्स में ये देखते हैं तो ये पर्पल वाला, ये वही वाला पर्पल लाइन है, लेकिन ये यहाँ पे हमने स्केल चेंज कर दिया है इस पिक्चर का. दैट्स वाई हमें वो थोड़ा छोटा लग रहा है. सो वही पर्पल लाइन है. यहाँ पे जो हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमम रिस्क था वो दैट वाज 3.4% वहाँ पे रिटर्न हमें अबाउट 11% मिल रहा था. अब वहाँ पे हम एक तीसरा स्टॉक है जिसके अंदर ऐड करते हैं जिसका रिस्क एंड रिटर्न डायनामिक्स ये है. तो ओवरऑल जो हमारे पास एफिशिएंट फ्रंटिंग पर थ्री स्टॉक्स आ जाएगा वो ये वाला आएगा. उसमें अगर हम देखते हैं तो हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमम रिस्क इज 2.5%. सो हमारा रिस्क कम हो गया एंड रिटर्न इज 20%. सो दिस इज अ विन विन सिचुएशन. हमारा रिस्क भी कम हो गया, हमारा रिटर्न भी इंक्रीज हो गया. सो दैट्स हाउ एडिंग स्टॉक्स टू पोर्टफोलियोज कैन इंक्रीज योर रिस्क एंड डिक्रीज योर रिटर्न्स. अब हम फाइनली देख लेते हैं ये कि हमने जो पिक्चर शो की है इसके अंदर हमने तीन स्टॉक्स के डायनामिक वही जो रिस्क जो हम फाइंड करते थे टू स्टॉक्स का कोरिलेशन के थ्रू, यहाँ वो थ्री स्टॉक्स के लिए गए. अब हमने ये मैट्रिक्स फॉर्म से यूज़ किया है बिकॉज नंबर्स इसमें काफ़ी ज़्यादा हो गए और मैट्रिक्स फॉर्म में वहाँ पर आसानी से नंबर देख सकते हैं और उनको कैलकुलेट कर सकते हैं. यू कैन यूज़ एनी एक्सेल शीट और समथिंग लाइक दैट टू कैलकुलेट दैट. और इसमें याद रखें जो इसमें डायगोनल टर्म्स जो लेफ्ट से पैथिक डायगोनल टर्म्स हैं वो वेरियस टर्म्स हैं और बाकी सारी आपकी कोरिलेशन की टर्म्स हैं. अब देखें सब में कोरिलेशन आ रहा है, कोवेरियंस की टर्म्स है, इसमें कोरिलेशन कोफिशिएंट भी आ रहा है. सो यू कैन ईजिली कैलकुलेट दिस नंबर्स. अगर आप इस सब का अब आप अगर आप रिस्क फाइंड करना चाहते हैं इस पूरे पोर्टफोलियो का तो इन सब नंबर्स को आप ऐड कर लें तो आपके पास रिस्क आ जाएगा पोर्टफोलियो का. टू कंप्यूट द पोर्टफोलियो वेरियंस फॉर थ्री स्टॉक पोर्टफोलियो जस्ट ऐड अप ऑल द टर्म्स इन एवरी बॉक्स. तो आपको इस वेरियंस आ जाएगी जब इन सबको आप ऐड कर लेंगे. तो जैसे कि मैंने देखा था फॉर्मूले में भी टू कंप्यूट द पोर्टफोलियो रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए आपको सिंपली उसका अनरूट लेना पड़ेगा. यू कैन एक्सटेंड दिस मैट्रिक्स अप्रोच टू कैलकुलेट रिस्क एंड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग एनी नंबर ऑफ एसेट्स. आप नंबर ऑफ एसेट्स आराम से इसमें इंक्रीज कर सकते हैं. टर्म्स इन द बॉक्सेस डायगोनल टॉप लेफ्ट बॉटम आर कॉल्ड वेरियंस टर्म्स एसोसिएटेड इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क ऑफ ईच स्टॉक. सो डायगोनल टर्म्स आर वेरियंस टर्म्स जो इंडिविजुअल रिस्क हमें इस स्टॉक को बता रहे होते हैं. एंड फाइनली टर्म्स इन द अदर नॉन डायगोनल बॉक्सेस आर कॉल्ड कोवेरियंस टर्म्स व्हिच अकाउंट फॉर इफेक्ट्स ऑफ वन स्टॉक मूवमेंट्स ऑन अनदर स्टॉक मूवमेंट. सो ये जो बाकी डायगोनल के अलावा जितनी भी टर्म्स हैं ये वाली टर्म्स ये इफेक्ट्स ऑफ वन स्टॉक मूवमेंट स्टॉक में बताती हैं, ये कोवेरियंस टर्म्स होती हैं सारी. एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स. एंड यू कैन एक्सटेंड थिंकिंग टू एनी नंबर ऑफ स्टॉक्स. सो दिस एंड्स टुडेज लेक्चर. वी विल कंटिन्यू द रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस. नेक्स्ट टाइम विल डू पोर्टफोलियो रिटर्न्स इन मोर डिटेल और ऐसा हम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की तरफ मूव करेंगे विच इज द डिफाइनिंग मॉडल इन फाइनेंस. सो थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम. सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन.